हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ यास्मीन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल यास्मीन लाइफस्टाइल पर। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बहुत ही एक खास चीज़ शेयर करने वाली हूँ। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मेरा बेबी बॉय के टाइम में जितने भी अल्ट्रासाउंड हुआ था वो सारे रिपोर्ट्स आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपना रिपोर्ट लेके बैठ जाइए और मेरे रिपोर्ट के साथ कंपेयर करके देख लीजिए, शायद आपको कुछ हिंट्स मिले कि लड़का होगा या लड़की होगी। बाय द वे, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा स्कैन हुआ था वो बेबी 8 वीक्स में हुआ था, और यहाँ पर आपको दिखाऊंगी मेरा प्लेसेंटा जो है पहले एंटीरियर था, बाद में पोस्टीरियर हो गया था। इसके बाद के जितने भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसमें प्लेसेंटा पोस्टीरियर ही आया था, लेकिन यहाँ पर जो है एंटीरियर आया था और सिंगल लाइफ फिटस आया था, क्योंकि इस टाइम तो बेबी नहीं होता है पेट में ना, फिटस कहते हैं उसे। तो इसका FHR भी आप देख लीजिए 172, तो बहुत ही ज़्यादा है। और मैंने सुना है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, डॉक्टर लोग बताते हैं FHR शुरुआत के हफ्तों में बेबी का कुछ ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि ये हार्ट बीट होता है। FHR का मतलब फिटल हार्ट रेट, तो बेबी का धड़कन होता है ये। और शुरुआती अल्ट्रासाउंड में और कुछ नहीं आता है और कुछ भी नहीं दिखता है इसमें, क्योंकि इस टाइम तो बेबी नहीं होता है पेट में, फिटस होता है। और फिटस का कैसे मेजरमेंट किया जा सकता है इसमें, मतलब बेबी का धड़कन अच्छे से आ रहे नहीं, या बेबी एक है या दो है, ये सब दिखाया जाता है। बाकी ये सब काला काला तस्वीर है ये सब, इसमें तो अभी बेबी का कुछ भी नामो निशान हम लोग नहीं समझ पाएंगे, है ना। अब हम आपको दूसरा जो मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, दूसरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सिंगल लाइव इसमें फिटस आया है, है ना। इसका मतलब एक ही बेबी होगा, लेकिन क्या बताओ, सच बताओ फ्रेंड्स, मुझे दो बेबी, मतलब जुड़वा बेबी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेबी का जो हार्ट रेट है 148, मतलब कितना कम हो गया है ना, पहले कितना ज़्यादा था, तो पहले 172 था, अब देखिए कितना घट गया। और बाकी ये जो BPDAC FLAC ये सब मतलब मेज़रमेंट आता है। और इस जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट है मेरा एनोमली स्कैन का है, इसमें बेबी का जो पूरा शरीर का जो जितने भी हिस्से हैं सब कुछ इसमें जो है रिपोर्ट्स अच्छे से आ जाता है। हेड का, नेक का, हार्ट का, मतलब फीमर लेंथ, हड्डियों का, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसका, लेग का जो हड्डी है, उंगली, नाखून, अच्छे से ग्रोथ हो रहा है या नहीं, मतलब सारा कुछ इसमें दिखता है। तो आप फिटल हार्ट रेट आपने फिर से एक बार मैंने दिखा दिया है, अब देख लीजिए अच्छे तरीके से। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि फिटल हार्ट रेट अगर कम होता है तो लड़की होती है, मतलब लड़का होता है, ज़्यादा होता है तो लड़की होती है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पेज में भी मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये भी इसमें आया है अच्छे से रिपोर्ट्स। और एब्डोमेन का, एब्डोमेन मतलब पेट होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड ये इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चे का जो नाली होती है ना, जो प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ होता है वही, तो मेरे बच्चे का ना ये नाली गले में लपटा हुआ था तो वही आया था। और फेस का, स्पाइन का, मतलब सारा का सारा ये जो मेज़रमेंट है सब कुछ इसमें आ जाता है बहुत अच्छी तरीके से। और हाँ, ये एनोमली स्कैन अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आप ज़रूर कराइएगा, बहुत ज़रूरी है। इसमें बच्चे अगर एबनॉर्मल है या बच्चे के अंदर कुछ डिसऑर्डर है तो डॉक्टर पहले से पता कर लेते हैं और उस दौरान अच्छे से इलाज भी हो जाता है। तो ये मेरा तीसरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, तीसरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डेट भी मेंशन कर दिया था। और ये देखिए फिटल हार्ट रेट इसमें आया है 136, क्योंकि इसमें और भी कम हो गया, तो ये कम हो गया इसलिए कम हो गया क्योंकि इस टाइम ना मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा ख़राब था, मेरे खून की कमी हो गई थी, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई थी। और ये जो लिक्वर इज स्लाइटली एक्सेस्ड इन अमाउंट, मुझे ये पानी जो बच्चे के जिस पॉकेट में रहता है उस पॉकेट में पानी बहुत ज़्यादा हो गया था तो इसलिए वो आया है। और ये BPD, हेड सर्कमफ्रेंस, फीमर लेंथ, ये सब का मेज़रमेंट अच्छे से आया है। वैसे बेबी के अंदर कुछ भी डिसऑर्डर नहीं था और ना ही जेनेटिक कोई प्रॉब्लम था। तो बच्चे के अंदर जो है ना जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं उसका भी एक टेस्ट हुआ था मेरा, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा नहीं हुआ था, वो हुआ था स्किन टेस्ट, मतलब ब्लड लेकर किया गया था। तो वो भी अल्लाह के राम करम से वो रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल आया था। तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है, अगर जो ये मतलब बेयर कर सकते हैं वो लोग ये रिपोर्ट कराए, नहीं तो ना कराए। और एकदम लास्ट वाला ये रिपोर्ट से 7 तारीख को फ़रवरी का, क्योंकि 14 फरवरी को मेरा डेट दे दिया था डॉक्टर ने सीजरियन का, तो मुझे ये जानना था मेरा बेबी अभी कितना वज़न का था, तो इसलिए हम हस्बैंड वाइफ दोनों गए थे ये वाला रिपोर्ट कराने मैंने खुद से। तो इसमें देखा बेबी भी ठीक है और हार्ट बीट उनका मतलब 148 था, प्लेसेंटा पोस्टीरियर था।
और सबसे मेन चीज़ बेबी का वज़न देखना था, वो था 3 किलो 200 ग्राम, उसके साथ प्लस करके 468 ग्राम, मतलब ये पानी का वेट होता है। तो मनी मन में खुश हो रही थी कि मेरा बच्चा जो है ठीक से ग्रो कर रहा है, अगर पैदा होने के बाद 3 किलो भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे 39 वीक्स कम्प्लीट करके सीजरियन करवाना था, लेकिन मैम ने बोला कि नहीं तुमको 39 वीक्स कम्प्लीट नहीं करने देना है, क्योंकि ये रिक्स हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरा पानी जो है ना बहुत बढ़ गया था पेट में, और अम्ब्रिकल कॉर्ड जो नाड़ी होता है बच्चों का वो गले में फंसा हुआ था, 2-3 लपटे हुआ था इसे। तो इस तरीके से मेरे मैम ने फिर बोला कि 38 वीक्स में ही आपको सीजर करना पड़ेगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस तस्वीर को ना जाने कितने बार हम लोगों ने देखा था, ये एनिमल स्कैन का है और ये हुआ था 18 और 19 वीक्स के अंदर। तो इस तस्वीर को मेरे हस्बैंड ने सारे रिश्तेदार के पास भेजा और सब ने ये गेस किया था कि बेबी बॉय होगा। तो हार्ट बीट को लेकर जितना भी मन में डाउट है, आई होप कि इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। हार्ट बीट जो है बच्चे का चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो इससे कुछ अलग नहीं सोचना है, बस पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहोगे तो भी बच्चा स्वस्थ रहेगा।